friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. ब्रेकफास्ट हो गया है और एक खुशखबर भी मिली है. सुबह 5:30 बजे यहाँ से जो बस जाती है किश्तवाड़ के लिए वो गई है और बाकी भी व्हीकल्स जा रहे हैं. तो होपफुली द कर्फ्यू इज़ बीन लिफ्टेड एंड विल बी अलाउड टू गो. लेट्स सी. सब पैकिंग वगैरह रेडी करके हम लोग नाश्ता करने गए थे. अभी बस सब लोड करना है बाइक्स पे और निकलना है. रेडी? यस रेडी. एक्साइटेड? नर्वस? नर्वस. 100% नर्वस. हाँ यार, गोली खा के नहीं मरना है किसी की. चलो फाइनली 8:30 बजे माता जी और गणपति बप्पा मोरिया बोल के निकल गए. अभी अभी सुना है बहुत सारे चेक पॉइंट लगे हैं रास्ते में यहाँ से किश्तवाड़ तक. बस क्रॉस होने के लिए अलाउ करना चाहिए, दिक्कत नहीं कर दे. किश्तवाड़ 65 किलोमीटर फॉर है. कल क्लिफहैंगर रूट से गुलाबगढ़ तक का रास्ता बहुत अच्छा था, टारमैक था पूरा. उसी हिसाब से कंसिडर किया था कि आज किश्तवाड़ तक पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे में, लेकिन गुलाबगढ़ से आगे किश्तवाड़ की तरफ ये मिला है. गाड़ी चल रही है 20 के स्पीड से. हिमाचल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें ना ये ऐसे रोड्स मुझे बहुत पसंद है. नीचे से नदी बहती है और बाजू में कर्विंग और ऐसे पत्थरों में कटे हुए रोड्स, मजा आता है इसमें गाड़ी चलाने. राइडिंग का मजा तो आता ही है, नजारे देखने का मजा भी आता है. लुक एट दैट, क्या ब्यूटीफुल रोड बनाया है. जैसे जैसे किश्तवाड़ के नज़दीक पहुंच रहे हैं ना, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, थोड़ा दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी है. बिकॉज एक्चुअल कर्फ्यू सिचुएशन में कभी एंटर नहीं किया है आज तक. बट द ओनली थिंग जो बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस दे रही है कि जितने भी आर्मी चेक पोस्ट अभी तक गए, ऑलमोस्ट हर जगह पे हमने पूछा कि क्या सिचुएशन है, व्हाट शुड वी डू, किसी ने भी निगेटिव एडवाइस नहीं दिया है किसी भी पोस्ट पे. एवरीवन इज सेइंग जाओ, आपको तो छोड़ देंगे, आपको जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप. दैट्स द थिंग, उसके भरोसे पे चल रहा हूँ अभी. दैट्स किश्तवाड़ टाउन, ऑलमोस्ट देयर. ऑलमोस्ट हर एक किलोमीटर पे अभी चेक पोस्ट है, या तो आर्मी का या पुलिस का, और उसके अलावा भी इधर उधर खड़े हैं ही सब जवान. बट वन थिंग जो मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रही है, एवरीवन इज सो नॉर्मल. मतलब सिटी में, टाउन में कर्फ्यू लगा हुआ है, ना किसी लोकल के चेहरे पे टेंशन है, ना आर्मी वालों के, ना पुलिस वालों के. इट्स लाइक उनको लग रहा है इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग, और हम टेंशन लेके चल रहे हैं. एनीवेज, अभी पेट्रोल भी भरना है. होपफुली कर्फ्यू की वजह से पेट्रोल पंप्स बंद करके ना रखे हो. बस चलो, पेट्रोल तो मिल गया लकीली, 75.83 रुपीस पर लीटर था. अभी क्वांटिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा क्योंकि 651 रुपीस का आया था पेट्रोल, 8 point something होगा. ये दैट्स इट, 8.59, 64336, 22.95. बाप रे, क्या एवरेज डाउन हुआ है सच पास और क्लिफहैंगर में. किश्तवाड़ टाउन में से हम क्रॉस हो चुके हैं. कर्फ्यू है, मतलब हर 100 मीटर में, 150 मीटर, 200 मीटर में
चेक पोस्ट बने हुए हैं हर जगह पे, लगेज चेक हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं, बट द रूटीन लाइफ, लोकल पीपल्स लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. बच्चे खेल रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है, देयर इज नो टेंशन एट ऑल. अब नेचर एंजॉय करना चालू करते हैं, सिंथन टॉप की चढ़ाई अब चालू होगी और उसके बाद फिर देखेंगे एक्चुअल कश्मीर वैली में एंटर करने के बाद कोकरनाग, अनंतनाग वो सब एरिया में से जाना है. वहाँ पे सिचुएशन क्या होगी वो तो अभी बता नहीं सकते. फिलहाल तो मजे लेते हैं कश्मीर की वादियों के. देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स हियर. एक तो मुझे पता है चेनाब रिवर है, दूसरी कौन सी है तो पता नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सी, वन इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड एंड चेनाब रिवर फ्रॉम दिस साइड. हार्डली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम किश्तवाड़ टूवर्ड्स श्रीनगर वी हैव रीच्ड दिस प्लेस. रोड्स बहुत बढ़िया है, बहुत सही रोड्स है. इस वाले चेक पोस्ट पे तो बहुत ज्यादा चेकिंग हुई और टेंशन दे दिया इन्होंने. ऑलमोस्ट एक पूरा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू था या इंट्रोगेशन था वो ही नहीं पता. आईडी के फोटोज, खुद के फोटोज, बाइक के फोटोज. दे वर ट्राइंग टू आस्क अस के अगर आपको कोई टेररिस्ट मिलता है वो आपको मोटिवेट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो आप उसके साथ जुड़ोगे क्या, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. तो फाइनली दे लेट अस गो. बोल रहे थे कि माहौल गर्म है आगे. धक 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 धक. एक और चेक पोस्ट, एक और जगह पे एंट्री, एक और जगह पे फोटो बाइक के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ. ऑलमोस्ट हाफ वे टू सिंथन पास. 35 किलोमीटर्स हो गया है किश्तवाड़ से, अभी और 35 बाकी है. उसके बाद किश्तवाड़ का एरिया ख़त्म और श्रीनगर का एरिया चालू. सिंथन पास की स्टोरी थोड़ी उल्टी है. नीचे से आते वक्त रास्ता खराब था और टूवर्ड्स द टॉप एकदम सही रोड मिला है. बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज आई हैव एवर सीन. उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, स्पीति हो गया, बट जो इस किश्तवाड़ वाली वैली का नजारा है ना, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई विल शो यू नाउ. लेट्स वेट हियर, आई विल जस्ट टर्न टू माय राइट. ये देखो, इट्स सो अमेजिंग. क्या व्यू है. Here we are guys, challenge number 3, Sinthan Pass. बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, locals ही है सब यहाँ पे. अभी भी जितने लोग हैं सब locals ही है. Sinthan Pass connects the Padar Valley to Kashmir Valley. किश्तवाड़ से श्रीनगर के रूट पे ये पास है. I don't know the exact height, but अनंतनाग is exactly 70 kilometers from here and किश्तवाड़ is 70 kilometers on the other side. Look at the plains, look at the grasslands. बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे और वैली के व्यूज तो ज़बरदस्त. गाइज एक और चीज़ यहाँ के लोकल लाइफ के बारे में, तीन दिन से मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ इन हिमालयाज इज अ स्ट्रगल. अभी एक और चीज़ यहाँ पे पता चली है, ये लोग यहाँ क्यों आए. बस इनसे मैंने पूछा, अभी बात की, मैं फिर से पूछता हूँ, आप बस ये बताओ कि यहाँ पे आए क्यों आप. फोन करने आए हम 40 किलोमीटर रहते कहाँ पे रहते हम गांव में लारनू. कौन सा लारनू? जी जी डिस्ट्रिक्ट. सुन रहे हो, 40 किलोमीटर से यहाँ आए हैं
सिंथन टॉप पे बस एक फ़ोन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मिलता है, नीचे नेटवर्क नहीं मिलता. दिस इज़ हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज. और वो भी सिर्फ एयरटेल, यहाँ पे BSNL नहीं है. मेरे फ़ोन में BSNL है, नहीं चल रहा है. सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क है यहाँ पे, उनके घर से 40 किलोमीटर पे. मतलब अपने लोगों से कनेक्ट होना भी इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे. स्ट्रेंज. और हम कहते हैं हमारी लाइफ डिफिकल्ट है. चलो अभी चलते हैं, श्रीनगर तक पहुँचना है आज. कितना टाइम लगेगा सर श्रीनगर पहुँचने में? 2 घंटे. क्या बात कर रहे हो, 130 किलोमीटर ना? इन्होंने तो सरप्राइज दे दिया यार, 3 घंटे में 130 किलोमीटर. चलो फिर. सो गाइस, वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम सिंथन पास. अभी जो लोकल्स मिले थे जिनसे बात की, उन्होंने बताया कि दिस पास इज सम 12,000 प्लस फीट अबव मीन सी लेवल एंड दिस इज द हाईएस्ट प्लेस इन कश्मीर वैली. पत्नी टॉप से भी ज़्यादा हाइट पे है. इससे अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे जाना चाहते हैं तो आपको जोजिला जाना पड़ेगा. वंस यू क्रॉस जोजिला यू गेट इनटू लद्दाख. तो कश्मीर वैली में सबसे ऊंची प्लेस है सिंथन पास. और पास के टॉप पे रोड देखो, क्या मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, बहुत सही है. एंड दिस इज ऑल कश्मीर वैली फॉर यू. यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटली descended from Sintan Pass. अब टाइम है खाना ढूंढने का. सुबह एक पराठा खा के निकले थे, उसी पे है अभी तक. And the time is now almost 3:30 in the afternoon. अब खाना ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द. वैसे हम जाके खाना ढूंढ लेते हैं, तब तक एक कमेंट डाल दो नीचे, ब्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक का, और ये लद्दाख सीरीज अभी तक की कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ज़रा एक कमेंट में लिख दो फटाफट से. वन थिंग दैट आई सी, मोस्ट ऑफ द शॉप्स इन ऑल द विलेजेस आर क्लोज्ड, बट वॉट एवर द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक द क्लिनिक्स एंड योर मेडिसिन शॉप्स, फार्मेसी स्टोर्स, दोज आर ओपन. लेकिन उसकी वजह से अभी तक खाना नहीं मिला है. दिस इज अचबल टाउन, यू कैन सी ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड बट पीपल आर देयर ऑन द रोड्स, स्मॉल ठेलाज एंड ऑल वर्किंग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इन दिस टाउन. बहुत ज़्यादा, मतलब अभी जितने भी गांव क्रॉस किए उनसे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे है. के बाद आएगा अनंतनाग, और अनंतनाग के बाद हम NH1 पे टच करेंगे. वेलकम टू अनंतनाग. इनफैक्ट आई शुड से वेलकम टू ऑलमोस्ट क्लोज्ड अनंतनाग. लुक एट द एंटायर लाइन ऑफ क्लोज्ड शटर्स. And look at the soldiers on my left. हर 10 कदम पे 2-3 soldiers हैं. और absolutely पूरा market, पूरा town closed है. लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं. पिछले 40 किलोमीटर से खाना ढूंढने के बाद अभी फाइनली खाना मिला है. अनंतनाग क्रॉस करके ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर आगे आ गए हैं. श्रीनगर इज लेफ्ट व्हाट 52 किलोमीटर्स नाउ. और खाना मिला है तो क्या मिला है, थैंक्स टू पाजी, चिकन और रोटी खाने को मिल रही है. पिछले 6 दिन से चिकन के लिए तरस रहे योगेश, दबा के खाएंगे दबा के. गाइस, यहाँ के सिचुएशन के बारे में दोपहर से जो बोल रहा हूँ ना, उसकी एकदम अलग साइड अभी पता चली. ये जहाँ पे अभी खाना खाने रुके थे, इट्स अ पंजाबी पर्सन बट ही इज नेटिव फ्रॉम हियर ओनली. बट द थिंग इज ही सेड, ये सरकार ने लगाया हुआ कर्फ्यू नहीं है, ये जो सारे दुकान बंद है ये सब यहाँ के लोगों ने इस आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के अगेंस्ट एज अ प्रोटेस्ट बंद रखे हैं पिछले 40 दिनों से. सो इट्स नॉट द गवर्नमेंट
like it's not the government pinning the people, ये लोगों ने बंद रखे हैं। अब मेरा पूरा नजरिया बदल गया इसके बारे में। सुबह से दिमाग में एक ही बात थी कि अनंतनाग एक हॉट प्लेस है, अनंतनाग को कैसे भी करके स्किप करना है, एज फार एज पॉसिबल किसी और रूट से जाके अनंतनाग में नहीं जाना है। एंड एज इट अल्टीमेटली टर्नड आउट, अनंतनाग में बैठ के लंच किया हमने। फॉरगेट मिलिटेंसी नाउ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, लुक एट द फील्ड्स, बोथ द साइड्स। That's Kashmir Valley. Finally, we have touched the Jammu-Srinagar highway. It's all four-lane road as you can see. Srinagar is some 40 kilometers now. Now, finally, we have reached Srinagar. And guess where we are right now? Yes, this is the Dal Lake, the pride of Srinagar. कोई अच्छी जगह ढूंढ के रुकेंगे फिर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक शॉकिंग न्यूज बताऊं, मतलब शॉकिंग नहीं है पर ठीक है, थोड़ी हटके। इस साल अपने इस टूर की आइटिनरी में श्रीनगर नहीं है। श्रीनगर इज टू मेनस्ट्रीम, इज इट, सब लोग करते हैं। जब हम प्लान करते हैं तो कुछ और करते हैं, कुछ हटके करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, क्योंकि हम अब चले सोनमर्ग की तरफ। आज रात को हम सोनमर्ग में स्टे करेंगे। अनदर 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। टाइम चेक गाइस, इट्स 7:15 पीएम ऑन द इवनिंग ऑफ 14th सितंबर 2019। वी हैव क्रॉस श्रीनगर, वी आर रीचिंग सोनमर्ग फॉर टू नाइट स्टे। इट इज स्टिल 25 किलोमीटर्स टू गो, अभी और एक घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। तो सीधा सोनमर्ग में पहुंच के होटल चेक इन करके बाद में मिलते हैं। बट ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज के दिन में कश्मीर के बारे में, कश्मीर के टूरिज्म के बारे में, हालातों के बारे में जो भी मैंने सीखा है वो मुझे आपसे शेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये व्लॉग छोड़ के जाइएगा मत, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, सोनमर्ग पहुँच चुके हैं, होटल में चेक इन कर लिया है। होटल मतलब एकदम बजट वाला स्टे है। यहाँ से रूम शुरू हुआ, वहाँ पे ख़त्म भी हो गया। दो लोगों का सामान रखने के लिए चार लोगों वाला रूम लेना पड़ा, चार बेड वाला, इतना छोटा रूम है। एनीवेज, जो बात मुझे करनी थी आपसे वो है कश्मीर के बारे में। आज दिन भर जिस इलाके से राइड किया है, दिन भर में सिविलियंस कम और आर्मी के और पुलिस के लोग ज़्यादा देखे हैं। बट दैट डजंट मीन कि अनसिक्योर्ड फील हुआ था या कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तीन चीज़ें मैंने देखी है। एक ये थी, सबसे पहली कि सब शॉप्स बंद है, सब जगह पे आर्मी के पुलिस के लोग हैं। और जो आज तक न्यूज़ में देखा था, जो आज तक पिछले एक महीने में मुंबई में बैठ के सुना था, वो ऐसा था कि आर्मी पुलिस या सरकार की वजह से यहाँ के सब शॉप्स बंद है। लेकिन यहाँ पे आके यहाँ के लोकल्स के साथ बात करने के बाद पता चला कि केस ऐसा नहीं है। यहाँ की सारी शॉप्स यहाँ के लोकल्स ने बंद रखी है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, एक डिसीजन है जिसको अपोज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सेकेंडली, आर्मी और पुलिस टूरिज्म को बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहे हैं। एक भी
एक भी चेक पोस्ट ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे उन ऑफिसर्स ने हमें ये कहा हो कि आप आगे मत जाओ, आप श्रीनगर में मत जाओ या आप कश्मीर में मत घूमो। एवरीवन वाज सेइंग कि आप चले जाओ, टू व्हीलर्स को कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ, टूरिस्ट को कुछ कोई भी कुछ नहीं करेगा। सो इट्स नॉट दैट इट इज़ अनसेफ फॉर टूरिज्म, बट येस आई वुड से इट इज़ नॉट आइडियल फॉर टूरिज्म, क्योंकि हमें, जैसा आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा कि हमें दोपहर का खाना ढूंढने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर आना पड़ा। तो इट्स नॉट अनसेफ बट इट्स नॉट आइडियल, दैट्स हाउ इट इज़ फॉर टूरिज्म एज ऑफ नाउ। एनीवेज अब है हम सोनमर्ग में, कल यहाँ से निकल के सबसे पहले तो जोजिला आएगा, उसके बाद कारगिल वॉर मेमोरियल, और फिर हम जाएंगे झांसकर वैली में जो अपने इस राइड का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। झांसकर वैली आपको देखने मिलेगी अगले व्लॉग में। तब तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, इससे पहले के सारे एपिसोड देखिए, ये पूरा सीरीज फॉलो करिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़िए, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको नए नए प्लेसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ये हमारा वादा है। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।